ज्ञान तिमरान दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम इन भूतले स्वयं रूपः कदामयम् ददाति सर्वदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ मेरे बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग सदैव ही जीव का कल्याण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ में अर्जुन के रथ पर सारथी के स्वरूप से हैं, फिर भी इस समय जब भागवत गीता का उपदेश कर रहे हैं उस समय वो अर्जुन के गुरु स्वरूप से हैं और मित्र हैं ही। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो दुख और सुखों में समानता बनाए रखता है वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, वो अजर अमर हो जाता है, वो उस अमर तत्व की प्राप्ति कर लेता है जहां जाने के बाद में वापिस ये मृत संसार में ये भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। देखिए गीता का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभाव सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते सो अमृतत्वाय कल्प सो अमृत तत्वाय कल्पते सो अमृत तत्वाय कल्पते। अमृत तत्व जो सुख और दुखों में समान स्थिति रखता है वो व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, एक जगह भगवान ने अर्जुन को शुरुआत में फटकार दिया था, अर्जुन को कुछ ऐसे शब्द कहे कि तू नामर्दों की तरह ये क्या बात बोल रहा है। ऐसोचान अनुसोचस्तम प्रज्ञावादांश्च वाससे गदासूने गदासूंश्च नानुशोचंती पंडिता। अर्जुन बड़ा दुखी हो गया था ये जान करके कि मेरे बाबा अर्जुन के गुरु पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य बंधु बांधव सभी सामने खड़े हैं, बड़े सगे संबंधी सबको ही मुझे मारना पड़ेगा।
भगवान ने कहा कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख और दुखों में समान स्थिति रखते हैं, अपने आप को भुलाते नहीं, यदि ये व्यक्ति अपने आप को नहीं भुलाए तो भगवान को कभी नहीं भूल सकता, किसी भी हालत में नहीं भूल सकता। लेकिन जैसे सपनों में उतर करके व्यक्ति अपने को भुला देता है, सपनों में समझ लो कोई सपने के अंदर आप कभी राजा बन गए हों और रानियां पंखा डल रही हों, नौकर चाकर सेवा में खड़े हों, हाथी घोड़े बंध रहे हों और आपका सपन भंग हो जाए, तो आपको मालूम चला कि मैं तो वहीं पर हूं जहां पर था, ये सपना झूठा था। ऐसे ही संसार भी 60 70 और 100 वर्ष का सपना है सपना ही, यहां पर सत्यता नहीं है। दुख है और दुखों के बाद सुख है, सुखों के बाद फिर दुख है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद सर्दी है, ये सर्कुलेशन चलता ही रहता है। मरण के बाद फिर जन्म है, बचपना के बाद फिर जवानी है, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा है, बुढ़ापा के बाद फिर मृत्यु है, मृत्यु के बाद फिर एक जन्म है, ये सर्कुलेशन संसार का है, ये संसार चक्र कह के बोला गया है। लेकिन भगवान विशेष बात बोल रहे हैं कि जो प्राणी, जो आत्मा, जो देहधारी, जो शरीरधारी व्यक्ति सुख में और दुख में सम स्थिति में रहता है, अपने आप को नहीं भूलता, उस परमेश्वर को नहीं भूलता, उस परम शक्ति को नहीं भुलाता, उस गोविंद को नहीं भुलाता, और अपनी स्थिति गोविंद का दास स्वरूप से अपना जो स्वरूप है उसको नहीं भूलता, विचलित नहीं होता, दुख आ जाए या सुख आ जाए, महलों में चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त हो जाए या दुखों में उतर के महान दुर्दशा हो जाए, लेकिन अपनी आत्म स्वरूप को नहीं भुलाता, उसको इस चीज का ज्ञान और अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं। ये दुख और सुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते हैं और ये इंद्रियों के और मन के विषयों में स्पर्श होने से प्रकट होते हैं, दुख भी और सुख भी। हीरा मिल जाए तो सुखी हो जाता है आदमी, और हीरा चोरी हो जाए तो दुखी हो जाता है। कोई पुत्र हो जाए तो बड़ा आनंद मनाता है, पुत्र चला जाए तो दुखी हो जाता है। कोई सोने कोई इज्जत दे दे तो बड़ा आनंद आता है, और कोई बेइज्जती करते तो बड़ा दुख हो जाता है। कभी बुखार आ जाता है, कभी उछलने कूदने लगता है, स्वस्थ रहता है। तो ये सुख दुख जो है सर्दी गर्मी के माफी की है, इनमें जो समदृष्टि से रहता है, समान समझता है, इनमें अपनी अपनी स्थिति को नहीं भूलता, अपने आप को नहीं भुलाता, शोक गमों में नहीं उतरता, चिंता फिकर में नहीं उतरता, या आनंद मग्न होके उसको नहीं भुलाता, शराब की बोतलें पकड़ने लगता है, नर्तकियों के पास जाने लगता है, या फिर अहंकार में भरता है, रिश्तेदारों को बताता है, भूल जाता है मुझे पद प्रतिष्ठा पाकर के, भूल जाता है अपने उत्तरदायित्व को, कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपनी मान मर्यादा को। मान की एक मर्यादा है, ये मान तो उचित है कि मैं भगवान का दास हूं, ऐसा मान करना तो उचित है, लेकिन ये मान करना अनुचित है, असत्य है कि मैं इस धन का राजा हूं, मैं ये बच्चों का मालिक हूं, मैं ये देश का मालिक हूं, ये मान खतरनाक है। तो मान की भी एक मर्यादा होती है, सीमा होती है, कौन सा मान सीमा के भीतर है, कौन सा सीमा के बाहर है,
ये मान सीमा के भीतर है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं उसका सेवक हूं, ये मेरा स्वरूप है, इस पर मुझे अभिमान है कि मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं भगवान की सेवा करता हूं। ये मर्यादा के भीतर मान है। मर्यादा से बाहर मान क्या है? उसको बुला देना, अपने आप को बुला देना, अपने स्वरूप को बुला देना, और इंद्रिय तृप्ति में उतर जाना, मैं और मेरे में उतर जाना, संसार से मोहित हो जाना। तो ये धर्म को भूल जाना, अपनी अपना स्वरूप भूल जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, चाहे दुख आए या सुख आए, चाहे भिखारी के घर में आपका जन्म हो जाए या राजा महाराजाओं के सोने चांदी के पलनों में आप झूलने लगे, आप उस प्रभु को नहीं भुलाएं, तब जाके आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होना निश्चित हो जाता है। ये भगवान कहना चाहते हैं। जय गोपाल। जय गोपाल। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ये मोहग्रस्त होकर के दुखी हो रहा है, ये तेरी अज्ञानता है। तू अपने आप को भूल गया है, इतना भी भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किनके साथ रथ में सवार हूं और किनको मैं मारने जा रहा हूं, सब भूल गया। अपने आप को भी भूल गया, ये राजा लोग कौन है इनको भी भूल गया, मुझे भी भूल गया, अज्ञानतावश नहीं। इस दुख में भी यदि तू मुझे याद रखे और ये आत्मस्वरूप का तुझे ज्ञान हो तो ये दुख भी नहीं होगा, ये दुख दुख ही नहीं, व्याप्ति नहीं होगा। तुझे दुखों में और सुखों में अपने स्वरूप को नहीं भूलता, आत्मा स्वरूप को नहीं भूलता कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अति उज्ज्वल पवित्र आत्मा हूं। तो जो ऐसा जिसको ज्ञान है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, वो मेरे अंश ही हैं, वो मेरे बीज पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूं, ऐसा व्यक्ति जो दुख में और सुख में अपनी स्थिति को नहीं भूलता, दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, उछलता फानता है, कूदता है, दुनिया को दिखाता है कि मेरी लॉटरी खुल गई, ओ अब तो मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, 10 मंजिल का मकान बन सकता हूं, यार दोस्तों के साथ खा पी सकता हूं, मजे उड़ा सकता हूं, भूल गया प्रभु को, अपनी स्थिति को भूल गया कि तुझे लॉटरी मिली तो तू सेवा कर उस प्रभु की, इससे इस पैसे से उस प्रभु का सबॉर्डिनेट बन करके, उसका दास बन करके आनंद ले, मालिक बन के आनंद मत ले इसका, कि ये मेरी लॉटरी है, मेरे लॉटरी को पैसे हैं, मेरी दौलत है, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मेरा सीट है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो इसको तेरा मत समझ, ये प्रभु ने तुझे प्रतिष्ठा दी है, प्रभु की प्रतिष्ठा समझ, तू अपनी मत समझे, अपने को कर्ता भी मत समझ, कर्तापन से भी विड्रॉ कर ले, कर्ता तू नहीं है, करने वाले वो प्रभु है, तू एक प्रयास कर, अपना फर्ज निभा कि आगे बढ़ूं, दो पांव दिए, हाथ दिए इनसे कुछ करूं, दिमाग दिया इनसे कुछ करूं, करता वही है करवाता भी वही है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नट नाचे मरकट की नाई, जाहे नचावे राम गुसाई, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, वी आर द पफेट्स इन हैंड ऑफ गॉड, ही इज द डूयर वी आर नॉट, करता वो है हम नहीं। यम ही न व्यथंत्येते पुरुषम पुरुषसभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते, उसी व्यक्ति को हे धीर पुरुष, हे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, जो सुख और दुखों में अपनी स्थिति को नहीं बुलाता, समदृष्टि रहता है, समता रखता है,
उसी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, उसी को अमरता की प्राप्ति होती है, उसी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। और तू दुखों में अपनी स्थिति भूल गया, इन राजा लोगों की स्थिति भूल गया, मेरी स्थिति भूल गया कि मैं कौन हूं, ये राजा लोग कौन है और तू स्वयं कौन है, ये सब भुला दिया। ओ बेस्ट अमंग मैन अर्जुना, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड इज स्टडी इन बोथ इज स्टडी इन बोथ इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। वो मुक्ति के योग्य है, अमर तत्व के योग्य है, मोक्ष के योग्य है। वो अज्ञान में नहीं है, ज्ञान में है। वो अंधेरे में नहीं है, उजाले में है। उसको महलों में, सुखों में, पदों में, सिंहासनों में बैठा दिया जाए तो भी वो अपनी स्थिति को नहीं भूलता कि मैं उस प्रभु का दासों का दास हूं। और यदि उसे महान ठोकरों में डाल दिया जाए, कष्ट दुखों में डाल दिया जाए, भिखारियों में डाल दिया जाए, मच्छर और खटमलों में डाल दिया जाए तो भी वो समझता है, तब भी उसको ज्ञान होता है कि मैं प्रभु का दास हूं, आत्मा हूं, मेरे कर्मों के कारण मैं इस स्थिति में हूं। अब मैं अपने कर्मों को सुधारूं, उस भगवान को प्रसन्न करूं, इंद्रिय तृप्ति नहीं। इंद्रिय तृप्ति तो सुअर गंदी नाली में उतर कर भी करता है, उसको ज्ञान नहीं, पशु है। इंद्रिय तृप्ति मनुष्य को नीचे को ले जाते हैं, गिराते हैं। किसी भी प्रकार की जो हमारी ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांच दरवाजे हैं हमारे, जिनसे हम बुरा और भला प्राप्त करते हैं, ज्ञान, दृश्य, रूप, जो भी। इसलिए पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखने से, संयमित रखने से, मन को अपने वश में रखने से हमारे पास जितनी भी दौलत हो, बुद्धि हो, व्यापार हो, प्रतिष्ठा सीट हो, सब उस प्रभु की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए, तो हमारा कल्याण है, तो हमको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं आरती में हम सब लोग कि तन मन सब कुछ, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, फिर देना लेना देना कुछ नहीं है, लेना देना क्या है। नहीं तो आप उस प्रभु के दिए हुए ज्ञान को लेना चाहते और न उसको अपने अहंकार को, अपने अज्ञान को, अपने काम क्रोध को, अपनी मोह ममता को देना चाहते, नहीं देना चाहते। फिर धन को तो देना ही छोड़ दो, धन को क्यों दोगे, पुत्रों को क्यों उनकी सेवा में लगाओगे, पत्नी से क्यों कहोगे कि पहली रोटी का भगवान को भोग लगा दे, क्यों कहोगे बच्चों से कि बेटे शाकाहारी बन के जियो, मत खाओ मांस। नहीं, अज्ञानता के कारण ये सब होता है। अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, उस परम पद की प्राप्ति करनी है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, इटर्निटी की प्राप्ति करनी है, परमानंद की, परमानेंट सुख की प्राप्ति करनी है, तो ये टेम्परेरी भोग विलास छोड़ने पड़ेंगे। और जो आपको सुख और दुख आए उनमें अपनी स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, तो आपकी विजय है। आपको भगवान की कृपा मिलना शुरू हो गया।
यमी न व्यथन्तेति पुरुषम पुरुषर स्वभाव यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर स्वभाव सम दुख सुखम धीरम अमृतत्वाय कल्पते। समान रूप से रहिए, आपको जिस रूप में भी दुख में या सुख में, उस प्रभु को मत भूलिए। और अपने आप को नहीं भूलना, उस प्रभु को नहीं भूलना है। यदि आपने अपने आप को याद रखा कि मैं कौन हूं, तो उस प्रभु को कैसे भूलेंगे? फिर अपने आप को भूल जाने से ही ये सारा उल्टा हो जाता है मामला। हम समझते हैं हम ये शरीर हैं, या हम बुद्धि हैं, या मन है, लेकिन नहीं, हम सच्चिदानंद आत्मा हैं, परमात्मा की अंश हैं, संतान है। ममेव अंशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये सारे जीव आत्माएं जो है मेरे अंश हैं, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी। ममेव अंशो जीवलोके, ये अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं, आत्माएं हैं, ये मेरे अंश हैं। लेकिन इनके साथ में जो छठी इंद्री मन है, षष्ठानि इंद्रियाणि, ये पांच ज्ञान इंद्रियों के अलावा छठी एक और प्रबल इंद्रिय है मन। ये प्रकृति की तरफ, भौतिक प्रकृति, भौतिक भोग विलासों की तरफ दौड़ता है, तो इसको लगाम देके कंट्रोल में रखना चाहिए। बच्चा दौड़ता है, छोटा बच्चा देखा आपने कैसे बेल्ट में बांध के जो कुत्ते को ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं अमेरिका में स्पेशली, मैंने यही देखा है। क्योंकि वास्तव में छोटा बच्चा भागता है। एक दिन मेरे साथ में एक छोटा बच्चा था, गदिन, सीपीए हैं मिस्टर अग्रवाल, ब्रजकिशोर अग्रवाल, उनका बच्चा था, वो मेरे साथ चल रहा था। माँ ने कहा था कि स्वामी जी इसका ध्यान रखना, ये भागता है, कहीं सड़क में न चला जाए। मैंने बोला कोई चिंता मत करो, मैं साथ ले गया उसको। वो बच्चे को मुझे आइसक्रीम दिलानी थी राजभोग से, लेकिन वास्तव में वो बच्चा भागने लगा साइड वे पे, मैं उसके पीछे पीछे भागा। मेरा घुटना दुखता है एक, लेकिन मैं बहुत तेज भागा, और वो आने वाली सड़क को क्रॉस करने ही वाला था, उससे पहले उसको पकड़ लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से पकड़ा, बहुत तेज भागा, मेरा घुटना बहुत दर्द करता रहा उस दिन। लेकिन बच्चे भागते हैं तो माँ बाप बेल्ट में, जब कुत्ते को बेल्ट में ले जाते हैं बेल्ट लगाते हैं। ऐसे इस मन को लगाम लगा के रखना चाहिए, ये दौड़ेगा, इसकी नेचर है, प्रकृति है। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये छठी इंद्रिय मन जो है ये संसार के भोग विलासों की तरफ दौड़ता है। तो इसको जरा लगाम दो कि नहीं, इसमें हमारा कल्याण नहीं, ऐसा करने में हमारा कल्याण नहीं, चोरी करने में हमारा कल्याण नहीं, झूठ बोलने में हमारा कल्याण नहीं, धोखा देने में हमारा कल्याण नहीं, वॉयलेंट फूड खाने में हमारा कल्याण नहीं, नहीं कभी कल्याण नहीं। बीमारियां आती हैं, बीमारियां घेरती हैं। क्यों बीमारी है समाज के अंदर? एक एक शरीर में कई कई बीमारी है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो 10 प्रकार की दवाइयां रोज लेते हैं, उनका पस से भर जाती है, इतनी गोलियां लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं। क्यों? बीमारियों का घर बन गया ये शरीर है, या बीमारी ये अस्पताल है? जैसे अस्पताल में मरीजों की बेड लगी रहती है, मरीज पड़े रहते हैं, ऐसे शरीर में बीमारियों ने घर कर लिया है। तो ये शरीर है या अस्पताल है, मैं समझ ही नहीं पाता। बीमारी आ सकती है, लेकिन उसका निदान भी होना चाहिए, और बीमारी आई क्यों है उसको भी तो जानना चाहिए। तो जब हम भोजन के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, अपनी रसना स्वाद के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, अपनी दृष्टि के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे,
तो बीमारी आने वाली है। एड्स भी आ सकती है, टीबी आ सकती है, सिगरेट पियो, कैंसर आ सकते हैं। आज वैज्ञानिक बोलते हैं, अमेरिका के डॉक्टर बोलते हैं कि 75% ब्रेस्ट कैंसर बीफ खाने वाली लेडीज को होते हैं। तो फिर क्यों खाते हो? क्यों गौ दूध देने वाली, समाज को दूध से पालने वाली गाय को काटते हो? जरूरी नहीं है, उनका प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करना चाहिए, उनका दूध लेना चाहिए। दूध से दही बनती है, घी निकलता है, बटर निकलता है, लस्सी बनती है, पनीर बनता है, क्या क्या नहीं बनता, सारी तमाम मिठाइयां दूध से बन रही हैं। गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, तो सोसाइटी को जरूरत है उसकी, गाय की, तो उसको काट के खा जाना, उस वृक्ष को काट देना जिसमें आम पकते हैं हर वर्ष, ये बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिमानी नहीं। तो लगाम देना चाहिए मन को और इंद्रियों को भी। मने सष्टानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कृष्ते। तो ये भौतिक प्रकृति की तरफ, प्रकृति का भोग करने के लिए ये मन जो है ना, इसको खींचता है आत्मा को कि चलो ना, ये खाओ ना, तो मना करना चाहिए। जय गोपाल। ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकेकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्याय इस्तवाय वेदाय सांगपदक्रमोपनिषदाय गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरेत। जय गोपाल। आइए बहन भाइयों, सत्संग प्रेमीजनों, सत्संग की कड़ी है, नई कड़ी है, नित्य नूतन ज्ञान है जो भगवान के मुख से निकल रहा है, और अर्जुन
अपने कानों से उस ज्ञान का पान कर रहा है, ये समझते हुए कि इसमें ही मेरा भला होगा, अन्यथा मैं दुख दुविधा से घिर गया, मैं संकट में हूं, इसलिए मुझे ज्ञान जो दे रहे हैं मेरे गुरु बनकर भगवान श्री कृष्ण, इस ज्ञान से ही मेरा कल्याण है। जो भी प्राणी गीता के ज्ञान को श्रद्धा से सुनेगा उसको परम लाभ होना ही है, इसमें संदेह नहीं है। आइए भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, चलें। भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 16। श्री भगवान उवाच, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वात् तयो तस्त्वदर्शभिः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असत वस्तु का सुस्वरूप जो है देखा जाता है वो होता नहीं, असत वस्तु का रूप जो आंखों से दिखाई देता है वो वास्तव में होता नहीं, सत्यता में वो वस्तु होती ही नहीं, और सत्य की तो कोई कमी ही नहीं है, सत्य में कोई कमी नहीं है, सत्य पूर्ण है, उसको ही पूर्ण ब्रह्म बोला है, सत्य को पूर्ण ब्रह्म बोला है, आत्मा को भी पूर्ण बोला है, परफेक्ट। सत्य परफेक्ट है और असत्य इम्परफेक्ट है। ना सतो विद्यते भावो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त तयो तस्तु दर्शभी। दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्श भी। उच्चारण संस्कृत में कभी कभी अभ्यास पूरी तरह नहीं हो तो कमी आ जाती है, लेकिन भगवान प्रत्येक की कमी को क्षमा करते हैं क्षमा मांगने से, क्योंकि हमारे शरीर की ये पूरी तरह से निष्कर्ष निकाला गया है, निर्णय किया गया है संतों के द्वारा, तत्वदर्शियों के द्वारा, आत्मज्ञानियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, कि ये आत्मा पूर्ण है, परफेक्ट है, और ये शरीर जो है, ये आत्मा जिसमें रहती है, ये इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, इस शरीर के अंदर कमियां हैं और आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण रूप से परफेक्ट है, और शरीर पूर्ण रूप से इम्परफेक्ट है, इसमें कमियां हैं, इसमें दोष है, इसमें किसी कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से नहीं है, ना तो बुद्धि पूर्ण रूप से है, किसी की भी बुद्धि परफेक्ट नहीं है, किसी का भी मन परफेक्ट नहीं है, किसी के विचार परफेक्ट नहीं है, किसी का शरीर परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, इम्परफेक्ट है, इसमें कमियां हैं,
ये छोटे से बड़ा होता है, बुढ़ापे की ओर जाता है, मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ये कमी है इसमें। इंद्रियों में कमी है धोखा खाने की, ये धोखा खा जाती है। कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं, सांप को पकड़ लेते हैं रस्सी समझ करके, और कभी कभी सांप में भ्रम हो जाता है कि रस्सी पड़ी हो तो लगता है कि सांप पड़ा है, और डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, शरीर कांप जाता है, पसीने छूट जाते हैं, और उसको मारने के या तो खुद भग जाते हैं या उसको मारने के लिए लाठी उठा लेते हैं, भ्रम हो जाता है। तो हमारी आंखें भी पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। कान भी कभी कभी गलत सुनते हैं, कोई कहता क्या है सुनते हम क्या है, होता है सबके साथ होता है, पूर्ण नहीं है। सुनने की क्रिया को पूरी तरह से वो नहीं जान पाए, पूर्ण नहीं है, इम्परफेक्ट है, क्योंकि ये भौतिक है। ये तमाम भौतिक संसार अपूर्ण है, इनमें कोई पूर्णता नहीं है। पूर्णता का अर्थ यहां पर इतना ही लेना कि इसमें कमी है, कमियां हैं। ये फैलता है, छोटे से बड़ा होता है और नष्ट हो जाता है, इसमें बदलाव आता है। असत्यता में बदलाव आता है, सत्य में बदलाव नहीं आता। आत्मा के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वो जैसी है वैसी रहती है, शुद्धतम शुद्ध भावना के साथ। लेकिन हमारे शरीर में बदलाव आता है, बालक से जवान, बुढ़ापा, मृत्यु, इसमें बदलाव आते हैं। हमारे विचारों में बदलाव आते हैं, आज क्या विचार उठ रहा है, कल क्या विचार उठेगा, परसों क्या विचार था वो अब नहीं है। तो हमारी बुद्धि में भी विकार पैदा होते हैं। जो बुद्धि स्कूल के टाइम में, किशोर अवस्था में, जवान अवस्था में काम करती थी, फंक्शन करती थी, वो बुढ़ापे में नहीं करती है। बुढ़ापे में उसको स्मृति भूलने लगता है, सठिया जाती है बुद्धि, फिर तो मृत्यु को ही चली जाती है, खत्म ही हो जाती है, होती ही नहीं। पूर्ण रूप से नहीं, परफेक्ट रूप से नहीं बुद्धि, ये पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं ले पाती है। बुद्धि का कर्तव्य है निष्कर्ष लेना, निचोड़ लेना, जजमेंट देना। इसके जजमेंट अपूर्ण है बुद्धि के। लाख बुद्धि लड़ाते हैं लेकिन फिर भी उसमें जजमेंट गलत निकल जाता है। खेल में खिलाड़ी लाख कोशिश करता है, लाख बुद्धि लड़ाता है कि किस तरह से इस गोल को, इस बॉल को गोल की ओर ले जाऊं, लेकिन नहीं ले जा पाता है। कहीं ना कहीं कुछ इम्परफेक्टनेस पैदा हो जाती है, इम्परफेक्टिवनेस। तो यह अपूर्णता है, सारे संसार में ये कमी है, इसमें बदलाव आते हैं। पृथ्वी बदलती है, रंग बदलता है पृथ्वी का भी, चांद तारे सूरज ये भी बदलते हैं, ढलते हैं। एक दिन पृथ्वी आग का गोला होती है, दूसरे दिन देखा कि जल हो गया इसके ऊपर, तीसरे दिन देखा कि पृथ्वी भी मिट्टी भी है, खेती भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि फिर जल का गोला बन जाएगी, फिर जल का गोला आग का गोला बन जाएगी, और आग हवा बन जाएगी, और हवा आकाश बन जाएगी, और ये महाप्रलय में चली जाएगी। ब्रह्मांड की भी वही स्थिति है, ये शरीर की भी वही स्थिति है। इसमें बदलाव आते हैं, चेंजिंग। तो असत्यता में चेंजिंग पैदा होती है, और सत्य में चेंजिंग नहीं होता। आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं होता, शरीर में विकार पैदा होते,
संसार में विकार पैदा होते हैं, लेकिन आत्मा में विकार पैदा नहीं होता। किसी भी ग्रह नक्षत्र में विकार आ जाता है, डेड हो जाता है, वहां पर कोई लाइफ ही नहीं रहती। कहीं लाइफ पनपने लगती है, धीरे धीरे मछली से लेके और मनुष्य तक पैदा हो जाता है। तो ये विकार संसार या भौतिक संसार का नियम है। तो भगवान कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये सत्य के अंदर तो कोई कमी नहीं आती, ये परफेक्ट, कोई विकार पैदा नहीं होता आत्मा के अंदर। आत्मा ज्यों की त्यों है, ना इसको कोई अणु टुकड़े कर सकता है, ना कोई एटम इसके टुकड़े कर सकता है। एटम बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस सॉल, क्योंकि ये टुकड़े करने में आती नहीं, ये इतनी सूक्ष्म इसका स्वरूप है, ये दुश्मनों के पकड़ में नहीं आती। काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच ये इसको नहीं क्षति पहुंचा सकते, विकार युक्त नहीं कर सकते, ये इसको इसकी पवित्र भावना को ढक सकते हैं, जैसे सूर्य को बादल ढकते हैं, लेकिन इसको क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनकी क्षमता से बाहर है। ये शत्रु असत्य हैं और ये सत्य है। जय गोपाल। जय गोपाल। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत के अंदर विकार पैदा नहीं होते, सत को कोई मार भी नहीं सकता, सत को जल गीला भी नहीं कर सकता। न एनम छिन्नंती शस्त्राणी, कोई शस्त्र इसके टुकड़े नहीं कर सकता, कैसे करेगा? ये तो अप्रमेय है, ये मेजरमेंट में ही नहीं आती, तो टुकड़े कैसे हो? फिर काम क्रोध मद मोह भौतिक स्तर की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कोई इसमें विकार पैदा नहीं कर सकते। अजी आत्मा में तो क्या, इस आत्मा की जो शुद्धतम भावना है, जब आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप पर निर्मल पवित्र होती है, उस समय इसकी पवित्र भावना होती है, उसमें ही ये विकार पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उसको ढक सकते हैं। जैसे एक बल्ब के प्रकाश को चारों तरफ से कोई काला कागज लगा दो तो ढक देता है, ऐसे ही ये विकार इसको ढक सकते हैं, लेकिन उसको खत्म, उसको विकारित नहीं कर सकते। उस ये हट जाए तो वो तो एज इट इज है, जैसी थी वैसी है, कोई विकार पैदा नहीं होता। आपके अंदर कोई विकार पैदा नहीं होता, आप जैसे हैं परम सत्य ऐसे ही है। लेकिन शत्रुओं ने घेरा लगा दिया चारों तरफ से, तो उस सत्य को समझने में मन को बेचैनी होती है, वो समझ नहीं पाता है। तो जो ये घेरा लगा हुआ है काला, भोगों का, विषय भोगों का, काम क्रोध का, मद मोह का, लालच का, जलन का, इस घेरे में ये मन घूमता रहता है, इसी को सब कुछ समझ लेता है, ये काले घेरे को ही। ये भूल जाता है कि इस घेरे को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो इसके अंदर बैठी हुई सच्चिदानंद आत्मा है, जिसकी पवित्र भावना है। तो फिर ये पूरी तरह ज्ञान में हो जाए, ये मन के अंदर वो ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाए, ये बुद्धि के अंदर वो बुद्धिमत्ता पैदा हो जाए, वो विद्या पैदा हो जाए, वो कला प्राप्त हो जाए बुद्धि को। ना सतो विद्यते भावो, तो विकार युक्त है संसार, ये शरीर भी। हे अर्जुन, ये जो शरीरों के लिए तू दुखी हो रहा है,
ये तो ऐसे भी विकार युक्त है, ये तो फैलने ही वाले हैं, ये तेरे रोकने से रुक नहीं सकते, इनमें तो विकार व्याप्त है, इनके लिए तू दुख क्यों कर रहा है? एक दिन ये फैलने वाले हैं, गिरने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं, इनकी ये नेचर है, ये इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है इनमें, इनके लिए तू दुखी क्यों हो रहा है? और जो सत्य है, जो इनके अंदर बैठी हुई आत्मा है, जो निर्विकारी है, जिसको कोई विकार, कोई शत्रु अटैक नहीं कर सकता, कोई विकार अटैक नहीं कर सकता, उसको तू जान नहीं रहा है, उसको तू भूल गया है, और ये मोह ममता के घेरे जो लगे हुए हैं, इनमें तू भ्रमण कर रहा है, इनको तू अपना मान बैठा है, इन पर तू स्वामित्व ता जमा रहा है कि ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे हाथी हैं, इनमें तीर लग, इनके ऊपर तू अपना स्वामित्व दिखा रहा है कि ये मेरे मर जाएंगे, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिलने वाली है, तेरा क्या है इनमें? और जिनसे तू सच्चा प्रेम करता हो उसको तू पहचानता नहीं, उस तत्व को तू पहचानता नहीं, उस आत्मा को तू पहचानता नहीं जो इनके अंदर छुपी हुई है, जो इनके प्रत्येक हृदय में बैठी हुई है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणी मात्र के ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो सभी के हृदय के अंदर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो सभी के हृदय के अंदर विराजमान है, वो सबका सुहृदय है, वो सबकी आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप से विराजा हुआ है सबके अंदर, उस परम सत्य को तू नहीं देख पा रहा है, उस निर्विकारी को तू नहीं देख पा रहा है, उस आत्मा को तू नहीं देख पा रहा है जो सदैव पवित्र है और उसकी भावना भी पवित्र है, उससे तेरी जानकारी नहीं है, उस जानकारी को भूल गया है, तुझे मोह ने, अंधकार ने, अज्ञान ने घेर लिया है, और इस घेरे में तू भ्रमण कर रहा है और दुखी हो रहा है, इस घेरे में तो दुख ही दुख है, इस काम क्रोध मद मोह मत्सर और लालच, इस घेरे में तो तुमको दुख ही दुख है, और जो सुख जैसा लगता है वो भी दुखी है, वो लगता है कि सुख है, वो तो दुखी है, वो दुख है, और वो भी टेम्परेरी है, वो सुख और दुख भी टेम्परेरी है, इन सुख दुखों में स्थिति को ना भूल, तेरी स्थिति आत्मा की स्थिति है, तो आत्मा है, ये भी आत्मा है, असतो विद्यते भावो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वान् नयो तत्वदर्शिभिः, जो साक्षी रूप से जिन तत्वदर्शियों ने इस बात का निर्णय निकाला है वो यही है कि सत्य के अंदर सत्य निर्विकारी होता है, पूर्ण होता है, और असत्य के अंदर विकार पैदा होते हैं, बदलाव आता है, सत्य कभी नहीं बदलता, इस शरीरों के अंदर विकार आता है, सूक्ष्म शरीरों के अंदर भी विकार आता है, विचारों के अंदर भी विकार आता है, मन के अंदर भी विकार आता है, बुद्धि के अंदर भी विकार आता है, अहंकार के अंदर भी विकार आता है, ये संसार के अंदर ही विकार प्रवेश करता है, ये संसारी विकार का स्वरूप है, लेकिन वो आत्मा जिसको तू भूल गया वो तो निर्विकारी है, उसमें विकार नहीं आता, उसमें कोई कमी नहीं आती, उसमें बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं आती,
जन्म नहीं लेती, अजन्मा है वो। आत्मा अजन्मा है, आप अजन्मा हैं। इस शरीर का जन्म होता है आपका। तो आप जब एक बार प्रभु से अलग हो गए, और अलग भी कहां हो गए, प्रभु की प्रभाई हो आप सब, प्रभु के प्रकाश हो आप सब, वो परम प्रकाश है, आप उसके प्रकाश में एक कण है। ये प्रकाश में भी कण होते हैं, वायु में भी कण होते हैं, वायु के भी कण होते हैं, अग्नि के भी कण होते हैं, जल के भी कण होते हैं, मिट्टी के भी कण होते हैं। अभी वैज्ञानिक मिट्टी के कणों को तो पकड़ सके हैं, जल के भी कण होते हैं। ये दीवार जो देखते हो, कहने को तो कहते हैं कि एक दीवार हो रही है, लेकिन दीवार एक बोल दिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये दीवार असंख्य कणों को मिलकर के एक दीवार बनी है। ऐसे ही परमेश्वर की प्रभा में, उनके प्रकाश में हम असंख्य आत्माएं हैं, उनके अंश हैं, उनकी प्रभा है, उनकी सुपीरियर एनर्जी है, उनकी चैतन्य शक्ति है, और उनकी जड़ जड़ प्रकृति भी है, जड़ शक्ति, चल और अचल। तो हम चला चल शक्ति में, अचल शक्ति है, पत्थर है, नहीं चलते, चैतन्य नहीं, हम चैतन्य वो जड़ है, वो ना सुनते ना देखते ना चलते ना खाते ना पीते ना टॉयलेट जाते, लेकिन हम ये सारे कार्य करते हैं, हम चैतन्य। हम विचार दौड़ाते हैं, वो का पत्थर कैसे विचार दौड़ाएगा, जड़ चेतन में भेद है, ये भगवान की शक्ति है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अरे उस सत्य आत्मा में कभी विकार पैदा नहीं होता अर्जुन। और ये जो शरीर है ये असत्य है, ये विकारी है, इनमें विकार पैदा होता है। इन दोनों को ही साक्षी रूप से, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, तत्वदर्शी महापुरुषों ने, प्रकाश में संतों ने यह निर्णय लिया है कि सत्य निर्विकारी है, आत्मा निर्विकारी है, और ये शरीर जो है विकार है, इनके अंदर विकार है, विकार सहित है ये, आत्मा विकार रहित है, उसमें ना विकार है ना विकार उसका कुछ कर सकता है। ये शरीर विकारी है, इसको कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी, शेर अटैक कर सकता है तो नष्ट हो जाए, मृत्यु अटैक कर सकती है तो नष्ट हो जाता है। आत्मा तो नहीं मरती, उसको मृत्यु भी अटैक नहीं कर सकती, उसको कोई काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच ये शत्रु भी अटैक नहीं कर सकते, वो सच्चिदानंद है, पवित्र है, परम पवित्र है, उसकी भावना भी परम पवित्र है, सच्चिदानंद है, फुल ऑफ ब्लिस है, फुल ऑफ नॉलेज है, इटर्नल है, ये निर्विकारी है। ऐसे दृष्टा शब्द पर ध्यान देना, दृष्टा मानी, दृष्टा जो जिन ध्यानी आदमी जो अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जीते हैं उनको दृष्टा कहा है। इसको और भी सही रूप से दृष्टा को आप लोगों को कहूंगा, जिससे आपको दृष्टा का लाभ मिल सके। तत्वज्ञानी दर्शियों ने, तत्व को जो जानते हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है निर्विकारी का और विकारी का। यहां पर ही आज के सत्संग को विराम देते हैं। थोड़ा मनन कीजिए, आप आत्मा हैं, निर्विकारी हैं, ये शरीर विकारी है, ये फैलते हैं, गिरते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। जय गोपाल।